सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। कौन सी सरकार? मोदी सरकार अभी वर्तमान। हाँ, अगर कल बहुमत करने के लिए वोटिंग का वक्त आता है तो आपकी आपकी कुछ क्या स्थिति है, मतलब आप किसके फेवर में हैं? अरे हम ही तो लड़ रहे हैं मोदी से, घुसपैठी हमार को बोल दिए, ममता बनर्जी घुसपैठी बोले, मंगलसूत्र छीन के चोरी का हमको देने का किसका बोले, हमको बोले, मुस्लिम कम्युनिटी को बोले, किसकी भैंस चोरी करके दी जाएंगी चोरी का हमको बोले। अरे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके बीजेपी ने जीता ना, जीते सीट जीते। सुनिए सुनिए, सब बुलडोजर चल रहा है किसके घर पे, मुसलमानों घरों पे। 8 मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो गया 4 जून के बाद मुसलमानों से। अरे भाई निशाना तो हम बन रहे हैं ना, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की, इलेक्शन में भी कर रहे, जान भी हमारी जा रही, घर भी हमारा टूट रहा, बच्चे ही हमारे जेल को जा रहे, तो हम ही तो मुखालिफत कर रहे बीजेपी की। ऑनेस्टली अगर देखा जाए जो CSDS का डेटा है वो डेटा ये बताता है कि मुसलमान जो वोट बीजेपी को दिए थे 2014, 2019 और 2024 में, मोर और लेस इट वॉज द सेम, दूसरी कम्युनिटीज का बड़ा थोड़ा कम हुआ। और असदुद्दीन ओवैसी इम्तियाज जलील जब MP थे हम दोनों, तो 2019 जुलाई में UAPA का अमेंडमेंट लाया गया था, उसकी तो मुखालिफत हम करें, कांग्रेस पार्टी साथ दी ना उसका। आप लोग क्यों नहीं भूल, आप लोग ये पूछते नहीं उन लोगों से, आपको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, NCP से पूछना चाहिए कि आपने UAPA क्यों सपोर्ट किया, जिसकी वजह से स्टैन स्वामी जा एक 85-year-old बूढ़ा मर गया जेल में, भीमा कोरेगांव के लोग जेल में रहे, बच्चे जेल में आज भी। आप हम ही तो अपोज कर रहे पार्लियामेंट में, हम लोग हमेशा अपोज करें, और अगर कल ऐसा जरूरत पड़ेगी यकीनन हम बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे, मगर हर चीज पे टारगेट तो हम है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा, हमारी पार्लियामेंट में हमारी मेंबरशिप रिप्रेजेंटेशन 4% है, अपर कास्ट का OBC का बराबर हो गया, जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान दलित आदिवासी है, घर सबसे ज्यादा बुलडोजर से तोड़े जा रहे हमारे मुसलमानों के, लव जिहाद हमारे पे इल्जाम, तो हर चीज का हम पे ही सवाल भी हमसे होता है, मर्रो मैं और मेरे को बोलेंगे तुम उनका साथ देंगे नहीं देंगे। अरे भाई आप ये तो सवाल कम से कम हकायक को देख कर तो करो ना। नहीं नहीं हाँ मैं बोल दिया आपका, आप नहीं नहीं मेरा आप, मैं आपको सवाल का जवाब दे दिया। अगर ये आप ये नहीं कि पूछते कि भाई आप इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है, आप लोग इम्तियाज जलील क्यों आ रहा है ये पूछना चाहिए लोगों को। एक MP था मुस्लिम, आप हराए उसको।